हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशुरानी शॉर्ट वीडियो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिल्ली। सबसे पहले चिकन को अच्छे से धो लेंगे, फिर उसमें एक अंडे डाल देंगे और फिर अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना कर डाल देंगे और फिर उसमें एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मैदा डाल देंगे, फिर एक चम्मच चावल के आटे डाल देंगे और फिर उसमें थोड़े से विनेगर डाल देंगे और फिर उसमें सोया सॉस डाल देंगे और स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक चम्मच और थोड़े से मिर्च डाल देंगे गोल मिर्च और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको हाफ आवर तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर रेस्ट होने के बाद ये देख सकते हैं हम इनको मिक्स करके और फिर डीप फ्राई होने तक इसको रख देंगे। डीप फ्राई हो जाएंगे, ब्राउन कलर के जब पक जाएंगे तब उनको हम निकाल लेंगे और तब तक ये डीप फ्राई होते हैं तब तक मैं प्याज लहसुन और अदरक और फिर शिमला मिर्च ये सब हम छोटे बारीक काट लेंगे और मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं काट रही हूँ। और ठंडे के दिनों में तो बहुत सारे मिल जाते हैं ये सग्गा प्याज वगैरह, तो आप उनको भी ले सकते हैं साथ में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए और मैं इन्हें काट ली हूँ छोटे छोटे बारीक काट कर। ये देखिए मेरे कितने अच्छे ब्राउन कलर के हो गए डीप फ्राई होके। फिर इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे, डीप फ्राई होके निकाल लेंगे इसको। फिर और ये देख सकते हैं कितने अच्छे हो गए हैं ये ब्राउन कलर के। और फिर इसमें जो छोटे छोटे बारीक कटे मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे छोटे छोटे और इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें छोटे छोटे प्याज कटे हुए डालेंगे और स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर इसमें थोड़े से नमक डालेंगे और फिर इसमें हल्का मीठा होने के लिए शुगर डाल देंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए। और फिर ये देखिए मैंने कितने अच्छे से प्याज और शिमला मिर्च को काटा है, इसको इसमें डाल देंगे भुनने के लिए थोड़ा सा और इसे अच्छे से चला सकते हैं, भून सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे भुन गए। इसमें फिर से हम डालेंगे सोया सॉस और फिर डालेंगे इसमें विनेगर थोड़े से स्वाद अनुसार और फिर इसमें थोड़े से विनेगर फिर से डाल देंगे इसमें और इसको ठीक होने तक पकने देंगे। इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और थोड़ी टोमेटो केचप डाल देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और अच्छा टेस्ट आए। ये देख सकते हैं हम लोग, ये मैं टोमेटो केचप डाल रही हूँ केचप डाल के इसको अच्छे से ठीक होने तक भून लेंगे ताकि चिकन चिल्ली का जो ग्रेवी है वो अच्छे से ठीक हो जाए। इसमें थोड़े से हम कॉर्नफ्लावर अलग से भिगो के रखे हुए उसको डाल दिए हैं और इसको ठीक होने तक पकने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा है वो चिकन फिर इसमें डालेंगे। टेस्ट में और ये देख सकते हैं मेरा चिकन चिली।